हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेनो गुरुजी स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC स्टेनोग्राफर CND के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पे यहाँ पे बात करेंगे। दोस्तों, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। PDF की बात करें दोस्तों, PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर PDF फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वो दिया गया आपसे, पूछा जा रहा है वर्ष 2018 तक राष्ट्रीय सांस्कृतिक कोष के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन थे, ठीक है। यहाँ पे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन थे, यहाँ पे कौन थे, ये KL ढींगरा जी थे। कौन थे? KL ढींगरा जी थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। वीडियो लास्ट तक वॉच कीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, भारत में मुगल वंश किस अवधि में था, भारत में मुगल वंश किस अवधि में था। यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है, चारों में से कौन सा सही है, ऑप्शन दो, ठीक है। 1206 से 1290 ईसा पूर्व तक था, ठीक है। ऑप्शन दो यहाँ पे सही है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है, ठीक है। बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका 11 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पूछ रहा है, ठीक है, आप गलती मत कीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पूछ रहा है, ठीक है। राष्ट्रीय बालिका दिवस जो मनाया जाता है वो आपका मनाया जाता है 24 जनवरी को, ठीक है। 24 जनवरी को आपको आपका राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस यहाँ पे पूछा जा रहा है, ये मनाया जाता है आपका 11 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, वर्ष 2018 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था, किया गया। यहाँ पे चार ऑप्शन है आपके पास, यहाँ पे किसको प्रदान किया गया था, यही आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। किसको दिया गया था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार उस टाइम 2018 में, किसको दिया गया था, ये दिया गया था विराट कोहली को, ठीक है। विराट कोहली को दिया गया था और मीराबाई चानू को, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, चित्रकारी का नया प्रकार जो पाल वंश के पांचवी पीढ़ी के शासकों द्वारा विकसित किया गया था वह कौन सा है, ठीक है। वह क्या है, कौन सा नया प्रकार है, ठीक है। यहाँ पे यही आपसे पूछा जा रहा है, ये क्या है, लघु चित्रकला। क्या है? लघु चित्रकला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का वह प्रथम उत्पाद जिसे GI टैग प्रदान किया गया था, ठीक है। प्रथम उत्पाद जो प्रथम सबसे पहले किसको GI टैग दिया गया था, यही आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। चार ऑप्शन है आपके पास, यहाँ पे सही जो है ऑप्शन एक, ठीक है। सही जो है ऑप्शन एक, दार्जिलिंग चाय, ठीक है। दार्जिलिंग चाय को सर्वप्रथम GI टैग दिया गया था, ठीक है। दार्जिलिंग चाय को सर्वप्रथम GI टैग दिया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कितने लोगों ने अब तक अपने अकेले कार्य के लिए नोबल पुरस्कार प्राप्त किया है, ठीक है। कितने लोगों ने अपने अकेले के कार्य के लिए नोबल पुरस्कार प्राप्त किया है, ये किया है चार लोगों ने। कितने लोगों ने किया है, चार लोगों ने, ठीक है। वो चार लोग कौन है, मैडम क्यूरी, लिनस पॉलिंग और फ्रेडरिक सिंगर, और लास्ट जो है चौथे जो है जॉन वार्डिन, ठीक है। जॉन वार्डिन, ठीक है, चार है यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, 26 दिसंबर 2004 को आए सुनामी का प्रमुख केंद्र कहाँ था, ठीक है। 26 दिसंबर 2004 की बात कर रहा है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 2004 की बात कर रहा है। तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा ये होगा, इसका प्रमुख केंद्र कहाँ पे था, प्रमुख केंद्र कहाँ पे था, इसका था हिंद महासागर में। कहाँ पे था, हिंद महासागर में। अगला देखिए, कोरल रीफों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, ठीक है। स्टॉप कोर 2018 कहाँ आयोजित किया गया था, यही आपसे पूछा जा रहा है। कहाँ पे किया गया था, ये किया गया था आपका लक्षद्वीप में। कहाँ पे, लक्षद्वीप में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष राष्ट्रीय सांस्कृतिक कोष को एक ट्रस्ट
ट्रस्ट के रूप में मनाया गया, ठीक है, एक ट्रस्ट के रूप में मनाया गया, राष्ट्रीय सांस्कृतिक कोष को एक ट्रस्ट के रूप में मनाया गया। किस वर्ष मनाया गया? ये मनाया गया आपका 1996। कब मनाया गया? 1996 में ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक कोष को एक ट्रस्ट के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, तवारीख की रचना किस भाषा में की गई है, की गई थी, ठीक है, की गई थी, तवारीख की रचना किस भाषा में की गई थी? ये की गई थी फारसी भाषा में। किस में की गई थी? फारसी भाषा में। ऑप्शन दो सही है, ठीक है, ऑप्शन दो यहाँ पे सही है। जंग का लगना कौन सी प्रक्रिया है? जंग का लगना कौन सी प्रक्रिया है, ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या ये भौतिक प्रक्रिया है, विद्युत प्रक्रिया है, सामान्य प्रक्रिया है, या विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है, ठीक है, कौन सा सही है इसमें? ऑप्शन तीन, विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है, ऑप्शन तीन यहाँ पे सही है, ठीक है। पट्टा चित्रकला कहाँ की चित्रकारी का एक प्राचीन कला है? कहाँ की चित्रकारी का एक प्राचीन कला है? ये है आपका ओडिशा का। कहाँ का है? ओडिशा का, ठीक है, ओडिशा का चित्रकला है। अगला देखते हैं, वसावन प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध, यहाँ पे जो वसावन कौन प्रसिद्ध, एक प्रसिद्ध क्या था, ठीक है, वसावन प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध क्या था, ठीक है, यहाँ पे यही पूछा जा रहा है आपका, ठीक है, आपसे यही पूछा जा रहा है। तो ये क्या था? एक चित्रकार था, एक प्रसिद्ध चित्रकार था, ठीक है, ऑप्शन फोर, ऑप्शन फोर यहाँ पे सही है, ठीक है। दमयंती जोशी एक प्रसिद्ध क्या थी? आगे आपका क्वेश्चन यही बनेगा कि दमयंती जोशी एक प्रसिद्ध क्या थी, तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या थी वो, क्वेश्चन नंबर 65 में देखिएगा क्या थी वो, एक थी कथक नृत्यांगना। क्या थी? कथक नृत्यांगना, ठीक है, ऑप्शन एक इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका जो प्रीवियस ईयर पेपर है ये 2019 का है, ठीक है, 2019 के प्रीवियस ईयर ये पेपर है, ठीक है। यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, 2017 से 2018 के दौरान भारत में प्रति व्यक्ति आय मौजूदा कीमतों पर कितना था, ठीक है, मौजूदा कीमतों पर कितना था प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो ये कितना था? 1.13 लाख, ठीक है, 1.13 लाख, 1.13 लाख, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे दक्कन और आसपास के क्षेत्रों पर शासन करने वाला राष्ट्रकूट वंश का उदय किस वर्ष हुआ था, ठीक है, दक्कन और उसके आसपास के जो क्षेत्र थे वहाँ का जो है शासन करने वाला राष्ट्रकूट का उदय किस वर्ष में हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे सही आंसर जो होगा 753 ईसा पूर्व, ठीक है, 753 ईसा पूर्व। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पुलेला गोपीचंद अकादमी में प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है, पुलेला गोपीचंद अकादमी में प्रशिक्षण दिया जाता है, किससे संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है, यही आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, टेनिस खिलाड़ियों को, बैडमिंटन खिलाड़ियों को, कुश्ती के खिलाड़ियों को, या क्रिकेट के खिलाड़ियों को, ठीक है, क्रिकेटर यानी कि क्रिकेट के खिलाड़ियों को, ठीक है। यहाँ पे सही आंसर जो होगा आपका पुलेला गोपीचंद्र में किसका दिया जाता है, किस यहाँ पे बैडमिंटन खिलाड़ियों को प्रशिक्षण किया जाता है, ठीक है, बैडमिंटन खिलाड़ी को प्रशिक्षित किया जाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे 31 मार्च 2018 तक भारत में बैंक जमा की कुल धनराशि कितनी थी, भारत में कुल धनराशि कितनी थी, यही आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, 117 लाख करोड़, ठीक है, 117 लाख करोड़, 31 मार्च 2018 तक भारत में बैंक की कुल धनराशि जो थी आपकी 117 लाख करोड़ थी, ठीक है। अगला देखते हैं, पानी में किसकी मात्रा बढ़ जाने पर उसे आयोडीन के माध्यम से उपचारित किया जाता है, ठीक है, पानी में किसकी मात्रा बढ़ जाती है तो उसको आयोडीन में बदल दिया जाता है, उपचार कर दिया जाता है, यही आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, इसमें विटामिन सी, ठीक है, विटामिन सी बढ़ जाती है तो उसका उपचारित किया जाता है आयोडीन के माध्यम से, ठीक है। अगला देखते हैं,
महात्मा गांधी के अलावा भारत के और किस एक महान व्यक्ति ने छुआछूत के भेदभाव को खत्म करने का प्रयास किया था? महात्मा गांधी के अलावा जो थे वो थे आपके भीमराव अंबेडकर जी। कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, तराइन का प्रथम युद्ध किसने जीता? ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध किसने जीता, यहाँ पे पूछ रहा है कि किसने जीता। ठीक है, ये जीता था पृथ्वीराज चौहान ने। किसने जीता था? पृथ्वीराज चौहान ने। ठीक है, किसके किसके मध्य हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, और पृथ्वीराज चौहान जो है इसमें फतेह हासिल की। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? ठीक है, इसकी इकाई एसआई इकाई क्या है, यही आपसे पूछा जा रहा है 73 नंबर क्वेश्चन में। इसकी एसआई इकाई क्या है? ओम है। ठीक है, ओम है, ऑप्शन 4 यहाँ पे सही है। अगले क्वेश्चन जो है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके कारण हवा की गति अत्यधिक होती है और उसका दाब बढ़ जाता है? ठीक है, किसके कारण होती है ये? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चक्रवात। ठीक है, चक्रवात के कारण होती है। किसके कारण होती है? चक्रवात के कारण, ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान में यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री सहित सदन के सदस्यों का कितना प्रतिशत, ठीक है, यहाँ पे कितना प्रतिशत से अधिक होना चाहिए, कितने प्रतिशत से अधिक होना चाहिए, यहाँ पे ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, 15% से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन 2 यहाँ पे सही है, 15% से अधिक होनी चाहिए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, दो इलेक्ट्रॉन के नुकसान होने पर हीलियम, ठीक है, हीलियम एटम के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? दो इलेक्ट्रॉन के नुकसान होने पर हीलियम एटम के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? आपसे यही पूछा जा रहा है, किसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पास, यूवी किरण, थीटा किरण, किरण अल्फा किरण। यहाँ पे सही ऑप्शन जो है आपका नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 अल्फा किरण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 के रैंकिंग के अनुसार कौन सा राज्य तीसरे स्थान पर है? ठीक है, कौन सा जो है तीसरे स्थान पर है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन है? ये है महाराष्ट्र। ठीक है, 2018 कह रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 2018 की पूछ रहा है, ना कि अभी हाल फिलहाल की। ठीक है, तो यहाँ पे राज्य जो है, ठीक है, यहाँ पे सही आंसर जो है आपका आंसर नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिसंबर 2018 को सुनील अरोड़ा ने किस पदभार को संभाला? यहाँ पे देखिए दोस्तों, डैश है, तो यहाँ पे बन रहा है कि किस पदभार को संभाला था। ठीक है, संभाला, किस पदभार पर संभाला। ठीक है, यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा आपका, 2018 की बात कर रहा है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने संभाला था। ठीक है, सुनील अरोड़ा ने संभाला था, यहाँ पे मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अलेक्जेंडर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? अलेक्जेंडर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? ये किए थे 326 ईसा पूर्व। ठीक है, 326 ईसा पूर्व आक्रमण किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रथम विद्युत बल्ब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, किसके द्वारा किया गया था प्रथम विद्युत बल्ब का आविष्कार, किसके द्वारा किया गया था, यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था ये? एडिसन द्वारा। ठीक है, ऑप्शन 3 थॉमस एल्वा एडिसन द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पानी फोम सूखा पाउडर और सूखा रासायनिक पदार्थ के प्रकार हैं, किसके प्रकार हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। पानी फोम सूखा पाउडर और सूखा रासायनिक किसके पदार्थ हैं, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो किसके हैं ये हैं, आपका सही आंसर क्या है? अग्निशामक। ठीक है, अग्निशामक के पदार्थ हैं। ठीक है, अग्निशामक के पदार्थ हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2018 का युगल सेंटो डोमिंगो ओपन प्रतियोगिता किसने जीती? ये किसने जीती थी? ये जीती थी
लियंडर पेस, ठीक है, किसने जीती थी? लियंडर पेस ने, ऑप्शन ए किसका सही है। भारत में सबसे बड़ा नदी का पुल, नदी पुल का निर्माण होने वाला यह किन दो स्थानों को जोड़ेगा? ठीक है, भारत में सबसे बड़ा नदी पुल का निर्माण होने वाला यह किन दो स्थान को जोड़ेगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो किसको जोड़ेगा? डुबरी और फुलवाड़ी को, ठीक है, डुबरी और फुलवाड़ी को, ऑप्शन ए किसका सही आंसर है। डुबरी और फुलवाड़ी को जोड़ेगा। कोबाल्ट ऑक्साइड से किस रंग का गैस निकलता है, किस रंग का गैस निकलता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। कोबाल्ट ऑक्साइड में किस रंग का गैस निकलता है, ठीक है, किस रंग का गैस निकलता है? नीला, ठीक है, नीला गैस, नीले रंग का गैस निकलता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर प्रोटीन की मात्रा होती है, किसका वाहक होता है, इसका वाहक कौन होता है, मतलब किसका यह वाहक होता है, ठीक है, किसका वाहक होता है, ठीक है, यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, किसका वाहक होता है? ऑक्सीजन का, ठीक है, ऑक्सीजन का वाहक होता है, ऑप्शन ए किसका सही आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय परिवहन बाजार में वर्ष 2024 में भारत के किस स्थान पर रहने की संभावना है, ठीक है, 2024 में भारत के किस स्थान पर रहने की संभावना है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय परिवहन बाजार में किस स्थान पर रहने की संभावना है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे किसकी है? ऑप्शन तीन, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे जो देखेंगे ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन एक, ठीक है, ऑप्शन एक तीन, ठीक है, ऑप्शन एक तीन स्थान, किस स्थान पर रहने की संभावना है यहाँ पे दोस्तों, जैसे दिया गया है तीन दिया गया है तो तीन ही हम लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे तीन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 में रेवाड़ी जिला का कौन सा स्थान है, रेवाड़ी जिला का कौन सा स्थान है, ये रेवाड़ी जिला का स्थान है आपका दूसरा स्थान है, ठीक है, रेवाड़ी जिला का कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है, ऑप्शन तीन, ऑप्शन तीन इसका सही आंसर है, दूसरा स्थान है, ठीक है, रेवाड़ी जिला का दूसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2018 में भारत के किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया, ठीक है, किस को जीआई टैग प्रदान किया गया, तो 2018 में किसे जीआई टैग प्रदान किया गया था, यही आपसे पूछा जा रहा है। किसे किया गया था? ये किया गया था शाही लीची को, किसको? शाही लीची को, बिहार की है ये शाही लीची, ठीक है, बिहार की शाही लीची को 2018 में जीआई टैग दिया गया था, ठीक है, जीआई टैग प्रदान किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक उपकरण है, ठीक है, एक उपकरण, मौद्रिक नीति का एक उपकरण कौन सा है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन है? रेपो रेट, ऑप्शन फोर, ऑप्शन फोर रेपो रेट, ठीक है, ऑप्शन फोर रेपो रेट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह केंद्रीय मंत्री जो वर्तमान में अरुण जेटली के अस्वस्थ होने पर वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं, ठीक है, कार्यभार संभाल रहे हैं, ये दोस्तों ये जो है करंट अफेयर से क्वेश्चन था, ये 2018 जो है उस टाइम का जो एग्जाम हो रहा था, तो उस टाइम का, ठीक है, उस टाइम का ये क्वेश्चन है। यहाँ पे कौन है? पीयूष गोयल जी, ठीक है, अस्वस्थ, अरुण जेटली के अस्वस्थ होने पर कौन पदभार संभाल रहे थे, ये संभाल रहे थे पीयूष गोयल जी, ठीक है, पीयूष गोयल जी संभाल रहे थे। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 में तीसरे अधिकतम नागरिकों की भागीदारी के लिए राज्य को सम्मिलित किया गया, भागीदारी के लिए राज्य को सम्मिलित किया गया, किस राज्य को सम्मिलित किया गया, यही आपसे पूछा जा रहा है। ये किया गया था आपका महाराष्ट्र को, ठीक है, महाराष्ट्र को सम्मिलित किया गया था, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किसी कॉमनवेल्थ के लोक प्रशासन और प्रबंधन हेतु इंटरनेशनल इनोवेशन अवार्ड 2018 प्रदान किया गया था, किसे प्रदान किया गया था, यही आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, ये किसे प्रदान किया गया था? उन्नयन वनका, उन्नयन बनका को प्रदान किया गया था, ऑप्शन दो इसका सही आंसर है। अगला देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे किस देश ने 2018 का कॉमनवेल्थ एसोसिएशन फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट अवार्ड जीता था, ठीक है, किसने जीता था, किस देश ने जीता था, यह जीता था आपका भारत ने, किसने जीता था, भारत ने जीता था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, जल वाष्प के रूपांतरण की प्रक्रिया को वापस जल में संदर्भित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, यही आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है।
यह कहलाती है संघनन, ठीक है, संघनन कहलाती है ऑप्शन एक, ऑप्शन एक यहाँ पे सही आंसर है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विराट कोहली के साथ वर्ष 2018 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था, ठीक है, किसे प्रदान किया गया था, यह किया गया था ऑप्शन फोर आपका मीराबाई चानू को, ठीक है, मीराबाई चानू को प्रदान किया गया था ऑप्शन फोर, ठीक है, ऑप्शन फोर यहाँ पे सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों, अगर आपको लगे वीडियो ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है तो आप पॉज करके यहाँ पे YouTube में थोड़ा स्पीड कम और ज़्यादा करने का भी ऑप्शन रहता है, आप वहाँ से करके मैनेज करके आप देख सकते हैं, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से यहाँ पे परीक्षा आपकी पास में है, इस वजह से वीडियो थोड़ा फास्ट में कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन रिवाइज करना है, इसी के उद्देश्य से हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय फल है, ठीक है, कौन सा राष्ट्रीय फल है भारत का, यही आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा है, यह है आपका मैंगीफेरा इंडिका, कौन है, मैंगीफेरा इंडिका ऑप्शन फोर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य का जीवन प्रत्याशा उच्चतम है, ठीक है, किस राज्य का है, यहाँ पे यही आपसे पूछा जा रहा है, तो किस राज्य का है, ये केरल का है, ठीक है, ऑप्शन फोर केरल का है, ठीक है, ऑप्शन फोर यहाँ पे सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, अक्टूबर 2018 में किसे भारत का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, ठीक है, किसे मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था, ये किए गए थे आपके रंजन गोगोई जी, ठीक है, रंजन गोगोई जी, ठीक है, रंजन ऑप्शन दो यहाँ पे सही है, ऑप्शन दो, ठीक है, अक्टूबर 2018 में इन्हें ही नियुक्त किया गया था। निम्नलिखित में से किसने अमनदीप गिल की जगह यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन डिजार्ममेंट जनेवा का स्थान लिया, ठीक है, किसने लिया था, यहाँ पे चार ऑप्शन है आपके पास, राम कुमार शर्मा, पंकज उदास, पंकज शर्मा, आलोक नाथ, ठीक है, चार ऑप्शन है आपके पास, यहाँ पे कौन सा सही है, कौन सा सही है, यहाँ पे पंकज शर्मा, ठीक है, पंकज शर्मा सही, ऑप्शन तीन यहाँ पे सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 में जन भागीदारी में किस राज्य ने दूसरा स्थान प्राप्त किया था, ठीक है, किस राज्य ने दूसरा स्थान प्राप्त किया था, ये प्राप्त किया था गुजरात ने, ठीक है, गुजरात ने प्राप्त किया था। आई होप दोस्तों आपको जितने भी क्वेश्चन थे समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो स्वच्छ सर्वेक्षण जो है, सर्वेक्षण से रिलेटेड कई क्वेश्चन आए थे, ठीक है, कई क्वेश्चन आए थे उस टाइम दोस्तों। यहाँ पे ऐसा भी होता है, देखिए यहाँ पे खेल रत्न पुरस्कार से वही क्वेश्चन जो है दो बार रिपीट हुआ था, ठीक है, आपको अगर पता रहा होगा कि दो ही लोगों को मिला है, ये एक तो विराट कोहली, दूसरा मीराबाई चानू को, तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपका सही हो गया, ठीक है, दो क्वेश्चन सही हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, और रेगुलर वीडियो इसी तरह की वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम पे विजिट करना पड़ेगा, आप टेलीग्राम पे विजिट कर पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।